या मेरा निकाह हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ दिनों पहले ही हुआ. यू नो गाइस, यू नो व्हाट, मैं हमेशा से अपनी ज़िंदगी में हमेशा से ही चाहती थी कि बहुत सिंपल हो सब कुछ, बहुत बहुत सादगी से हो सब कुछ. मुझे ये जहेज वहेज और ये धूम धड़क के बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है. पसंद थे लेकिन इतने के जितना लाइक यू नो इंसान खुद खुश भी हो जाए, अच्छा भी लग जाए और आगे लाइक यू नो. मुझे बहुत ज़्यादा फालतू के खर्चे करने की शौक नहीं थी हमेशा से. मेरी बहनों की बहुत ज़्यादा धूमधाम से हुई है. मैं हमेशा सिंपल कर रखने की कोशिश करती थी और सोच रखती थी कि ना अल्लाह मियाँ प्लीज़ मेरा सिंपल ही हो. बट मैंने ये नहीं कि क्वारंटीन में या मैंने इस टाइम पे लॉकडाउन पे मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे सिंपल करनी थी. वो तो अल्लाह की तरफ से डेफिनेटली हुआ और ये इट वॉज मेंट टू बी, क्योंकि ये टोटली अरेंज रिश्ता हुआ है मेरा. इट वॉज इन लव मैरिज, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे पार्टनर मिले ज़िंदगी में, बहुत अच्छा इंसान. मेरी सास बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे सभी लोग. और अभी तो मैं बिल्कुल नोइंग प्रोसीजर, बहुत बिल्कुल अभी नोइंग टाइम पे चल रही हूँ मैं कि अब हम एक दूसरे को जान रहे हैं. इट वॉज टोटली अरेंज अम्मी अबू की पसंद से. बट ये कि आई एम नॉट रिग्रेटिंग एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड. मुझे दुआओं में याद रखना है आपने, मेरे हस्बैंड को, और मुझे दुआओं में याद रखना है हमेशा कि हम लोगों में हमेशा इत्तेफाक पैदा रहे. और वो मुझे काम करने के लिए इजाज़त देते हैं और दे रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हमेशा एंटरटेन करती रहूँगी ऐसे ही काम करके. अच्छा. और विश मी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. हैप्पी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे अरवा जफ़र. और आपके हस्बैंड का क्या नेम है? ही इज़ राजा, ही इज़ पुलिस ऑफिसर इन लंदन. और यू आर माई ब्यूटिफुल, यू आर वेरी ब्यूटिफुल एंड बेस्ट एक्ट्रेस. से माई नेम आयदा, आयदा योर एक्टिंग इज़ अमेजिंग. रिमशा, थैंक यू सो मच रिमशा. वॉट्स योर हस्बैंड डूइंग? मेरे हस्बैंड इज़ अ पुलिस ऑफिसर माशाल्लाह से, इज़ अ पुलिस ऑफिसर. आई लव हिज वर्क. आपका न्यू ड्रामा कब आएगा?